ना चिकन ना ही गोश्त फिर भी जायका चिकन जैसा बहुत ही मजेदार सोया ग्रीन कीमा की रेसिपी इस मजेदार आसान और चटपटी रेसिपी को बनाएं अपने हाथों का जादू चलाएं और घर वालों से तारीफें सुनते जाएं। जाए बिस्म अब तक कुकिंग का चैनल तो चले ये मजेदार सा कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक में शामिल कर देंगे आधी गठी हरा धनिया की अब इसमें पुदीना शामिल कर देंगे वन फोर्थ कप पालक शामिल कर देंगे जिसके हमने पाँच से छह पत्ते लिए थे ये ऑप्शनल है हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक तीन से चार दत काली मिर्च शामिल कर देंगे छह से सात दाने और यहाँ पर हमने बड़ी इलायची ली थी जिसके पीछे में इस्तेमाल कर तो सिंपली हमने बड़ी इलायची को तोड़ के इसके दाने से में हमने ऐड कर देने तो एक से दो हमने लिए थे बड़ी इलायची अब इसे हम शामिल कर देंगे साबुत धनिया एक बड़ा चम्मच जीरा शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच छोटी इलायची शामिल कर दी तीन अदर और यहाँ पर हम क्यूब्स शामिल करें आइस के बर्फ इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका रंग ख़राब ना हो हरा मसाला जो है ना वो हरा ही रहे काला ना पड़े इस वजह से हम इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं और इसमें पानी ज़्यादा है बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आप चाहें तो इसमें दो बड़े चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे बहुत ही मजेदार चटपटी कीमा बनेगा दावत में बनाएंगे ना मेहमान आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं ये बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होता है तो वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने गाड़ी सी पेस्ट बना लिए हरा मसाला हमारा रेडी हो चुका है रखेंगे साइड पर तो यहाँ पर हमने लिया था सोयाबीन तो यहाँ पर हमने डेढ़ ग्राम सोयाबीन लिया है आप चाहें तो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिया था साबुत सोयाबीन अब इसको पानी में बॉयल करेंगे तो सबसे पहले पानी को अच्छी तरीके से हमने बॉइल कर लिया था अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे उसमें हम अदरक के स्लाइस शामिल कर देंगे तीन हरी मिर्च शामिल कर देंगे और थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये सोयाबीन जो है हमारे फिक्के नहीं रहेंगे अब इसको तीन से चार मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाएंगे अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कर दीजिए कुकिंग तरफ़ ऑर्डो को सब्सक्राइब तो, इस तो इसको अच्छे तरीके से बॉइल कर दिया था इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर वो निकल जाए इस तरीके से हमने इसको छान लिया था अब इसको चॉपर में कर देंगे इसको अच्छे तरीके से हम कीमा बना लेंगे अब इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे इस तरीके से तो ये देखिए मजेदार सा हमारा सोयाबीन का कीमा रेडी हो चुका है इसको रखेंगे साइड पर तो यहाँ पर हमने एक कप दही ली थी जिसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया था इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसमें ज़ीरा बना हुआ शामिल कर दिया अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है इसको इतना मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो अच्छी तरीके से जो है ना ये गाढ़े सा हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो जाए विदाउट लम्स इसमें कोई भी लम्स ना हो तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया रखेंगे इसको साइड पर इस साइड एक देची में शामिल कर देंगे हाफ कप ऑयल तो इस सब्जी में जो है ना ऑयल ज्यादा पड़ता है तो ये फुल वेजिटेरियन रेसिपी है और इसमें हमें जो है ना प्याज ऐड कर देना है तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज के प्याज दिया थे जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था इस तरीके से अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे एक मिनट के लिए अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच या जायके के मुताबिक इससे जो है ना जल्दी से हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो जाएंगे इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे तो उसमें हमने अदरक और लहसुन शामिल कर दी कुटी हुई एक एक चम्मच इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे और स्टोर करेंगे सोते करेंगे तीन से चार मिनट के लिए तीन से चार मिनट के बाद इसमें हम पीस शामिल कर देंगे मटर हाफ कप इसको एक मिनट के लिए मिक्स करेंगे और पकाएंगे अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे सोयाबीन का जो जो कि अच्छी तरीके से हमने कीमा बना लिया था अब इसको एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसमें हरा मसाला शामिल कर देंगे जो हमने पहले बना के रखा था अब इसको हम मिक्स करेंगे और उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे कीमे और मसाले को तो जितना आप सब्ज़ी को भूनेंगे उसमें उतना ही ज़बरदस्त ज़ायका आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार ये हमारा भुना कीमा रेडी हो जाएगा इसमें हम ड्राई मेथी शामिल कर देंगे पाउडर एक छोटा चम्मच अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो दही का मिक्सर हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे और इसको चार से पाँच मिनट के लिए भूनेंगे कीमे को दही के साथ इसको इतना पकाना जब अच्छी तरीके से इसमें जो है ना पानी ख़त्म हो जाए दही का और ये ड्राई होने लगे ऑयल सेपरेट हो जाए तकरीबन इसको चार पाँच मिनट के लिए हमें पकाना है तो अच्छी तरीके से इसको हमने भून लिया है अब इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे दो बड़ी ये जयके के मुताबिक ऐड कीजिएगा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे हाफ कप जितनी आप ग्रेवी तो में ऐड करना चाहें उतना इसमें पानी ऐड कीजिएगा तो इसको हम कवर लगा कर पकाएंगे तकरीबन पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पाँच मिनट के बाद ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है तो ये मज़ेदार कीमा हमारा बुना रेडी हो चुका है अब इसमें हम ताज़ा हरा दनी शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे अब इसकी आंच हम बंद कर देंगे रखेंगे साइड पर दूसरे पेन में ऐड कर देंगे दो बड़े चम्मच मक्खन के और देसी घी शामिल कर देंगे एक बड़ा चम्मच तो इसका हम तड़का बनाने जा रहे हैं इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे अब इसे हम सूखी हुई मेथी शामिल कर देंगे हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे तो एक बड़ा चम्मच हमने मेथी का ऐड कर देना है इसमें इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे एक मिनट के लिए इस तड़के को ऐड कर देंगे कीमे के ऊपर इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा अब ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए तो उसको हमने गर्मा गर्म सर्व गर्म करना है तो यहाँ पर हमने गर्मा गर्म सर्व गर्म किया था पराठे के साथ तो आप नान रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं ऊपर से हमने गार्निश कर दी थी हरी मिर्च हरे धनिया की तो ये मजेदार सा हमारा कीमा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा जब कुछ बनाने का दिल ना करे तो ये मजेदार सी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए यानी कि आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पुना मसाला की रेसिपी जो कि झटपट बनता है खाने में बहुत टेस्टी है तो आइए मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लिए हम प्यूरी बना लेंगे तो यहाँ पर हमने दस बारह काजू बॉयल कर लिए थे फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च को भी बॉयल कर लिया था तो मीडियम साइज के टमाटर ऐड करके इसकी अच्छी से हमने प्यूरी बना ली थी आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी प्यूरी बना सकते हैं इसको हम रखेंगे साइड पर तो यहाँ पर हमने कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था हाँ जी तो कसूरी मेथी ऐड करने से ग्रेवी का फ्लेवर हो जाता है डबल अब इसको हम रखेंगे साइड पर तो यहाँ एक पैन में हम शामिल कर देंगे दो से तीन चम्मच ऑयल के आप चाहे तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे और छोटी इलायची शामिल कर देती न दर्द इसको स्टोर करेंगे हाई हीट पर अच्छी तरीके से तो यहाँ पर हमने पांच मीडियम साइज के प्याज ली थी जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया तो ये इसमें हमने ऐड कर दिया अगर आप बहुत ही मजेदार पनीर बना मसाला बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक तो जरूर देखिएगा कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा लहसुन शामिल कर देंगे चोप क्यों एक बड़ा चम्मच मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे एक बड़ा चम्मच उनको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकाने के बाद से हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे तीखी मिर्च शामिल कर देंगे हल्दी शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे एक धनिया का पाउडर और बोना हुआ जीरा शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाए अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे जितना रुकाटो उतना आप पानी इसमें ऐड कीजिएगा इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे और मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट के लिए जितना आप ग्रेवी को भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा तो उसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया था अब इसमें हम प्यूरी ऐड कर देंगे जिसको हमने प्रिपेयर करके रखा था पहले ही यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च और टमाटर वगैरह की प्यूरी हमने बना ली थी अब इसको हम पाँच मिनट के लिए पकाएंगे तो ये देखिए अच्छी तरीके से ग्रेवी को हमने भून लिया था ऑयल सेपरेट हो चुका है इसकी लो हीट कर लेंगे और इसमें दही ऐड कर देंगे जिस दही को अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया था और उसको इतना पकाना है जब तक अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाए दही पक जाए तकरीबन तो पाँच मिनट के लिए इसको हम पकाएँगे अच्छी तरीके से पकाने के बाद ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड नहीं किया था और इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे दो मिनट के लिए रखेंगे साइड पर दूसरे पैन में ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल या आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं काजू हमने इसमें ऐड कर दी इसको हम रोस्ट कर लेंगे एक मिनट के लिए आप चाहें तो काजू को स्किप कर सकते हैं ये ऑप्शनल है तो उसको हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था काजू को रखेंगे साइड पर तो उसी पैन में हम प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जिसको इस तरीके से हमने कट कर लिया तो टोस्ट कर लेंगे एक मिनट के लिए ताकि तो ये क्रची वेजिस हमारी बन गई है तो ये सारी वेजीज ऐड कर देंगे ग्रेवी में अच्छी तरीके इन सबको मिक्स करना है अब यहाँ पर हमने ली थी डंडने यानी कि हमने हरा देने की डंडने ली थी जिसको हमने चॉप कर लिया था आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे यहाँ पर हमने 600 ग्राम पनीर लिया था यानी कि आधा किलो से ऊपर आप चाहें तो कम या ज्यादा पनीर को ले सकते हैं ये होम पनीर है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जरूर चेक कीजिएगा अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे रोस्टेड थोड़ा सा लेमन जूस एड कर देंगे एक सौ दो चमच और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून उन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट उसको तो हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ी सी गार्निश कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ तो इसको हम सर्व करेंगे तवे पे तो तवे की फ्लेम हमने कर दी है मीडियम ऊपर से गार्निश कर देंगे इस तरीके से रखते जाएंगे काजू को तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा तो मजेदार सा पनीर बुना मसाला रेडी हो चुका है बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप इस मजेदार सी रेसिपी को रोटी पराठा या फिर चावल के साथ खाएं मगर एक बार जरूर बनाएं सर्दियों की खास जायकेदार रेसिपी जिसे बनाए बगैर सर्दियाँ अधूरी लगती हैं तो चले जी मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने ली थी डेढ़ सौ ग्राम मेथी जिसको अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे इस तरीके से हमने इसकी पत्ते अलग कर दिए उसको धो लेंगे साफ़ करके इसको रखेंगे साइड पर अब एक पेन में ऑयल शामिल कर देंगे वन फोर्थ कप और इसमें प्याज शामिल कर देंगे दो मीडियम साइज इसको हमने चॉप कर लिया था इसको एक मिनट के लिए स्टोर करेंगे अब इसमें काजू एड कर देंगे अठारह से बीस अदद और हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसमें हरी इलायची शामिल कर देंगे तीन से चार अदद लौंग शामिल कर देंगे दो लहसुन शामिल कर देंगे छः अदद इसको एक दो मिनट के लिए सोते करेंगे अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के दो टमाटर लिए थे जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था इस तरीके से इसको पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए जब अच्छे तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से स्टर करने के बाद के हम फ्लेम बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसको जग में ऐड कर देंगे इसको अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से हमने पेस्ट बना ली थी रखेंगे साइड पर तो यहाँ पर एक पैन में शामिल कर देंगे ऑयल और इसमें मेथी ऐड कर देंगे अब इस मेथी को पकाएंगे हम एक से दो मिनट के लिए जब तक अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट होने लगे मेथी एक से दो मिनट के बाद इसमें हम पीस ऐड कर देंगे मटर एक कप अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चार से पाँच मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर इसको रखेंगे साइड पर तो एक पैन में शामिल कर देंगे वन फोर्थ कप ऑयल दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे ज़ीरा एक छोटा चम्मच और इसमें बड़ी लच्चा शामिल कर देंगे तेज़पत्ता शामिल कर देंगे एक अदद अब इसे हम लहसुन शामिल कर देंगे चॉक किया हुआ एक छोटा चम्मच इसको स्टर करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में बेस्ट ऐड कर देंगे जो अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर ली थी मिक्सचर को कर दिया हमने इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे चार से पाँच मिनट के लिए जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे दो छोटे चम्मच आप जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा हल्दी शामिल कर देंगे अब इसमें हम धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे दो छोटे चम्मच नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक तो इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे दो बड़े चम्मच इसको भी पकाएंगे दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और जो हमने मेथी और मटर को मिक्सचर करके अच्छी तरीके से रखा था साइड पर वो इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी मटर को अब इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे दो मिनट के लिए जब अच्छी तरीके से मेथी मटर मिक्स हो जाए मसाले में अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम एक कप क्रीम का इस्तेमाल करें फ्रेश क्रीम अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे तीन से पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको इतना भूनेंगे जब तक अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से तो ये मज़ेदार से हमारी मेथी मटर मलाई रेसिपी रेडी होने वाली है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हाफ कप जितनी आप इसमें ग्रेवी रखना चाहें उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा अच्छे तरीके से पकाने के बाद उसको कवर लगा कर पकाएंगे दो से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चार मिनट के बाद ये देखें ऑल सेपरेट हो चुका है अब ये रेडी हो गया सर्व करने के लिए तो उसको हम गर्मा गर्म सर्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अम्मी बनाने जा रही थी पराठा तो आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी नान चपाती या फिर चावल के साथ ये के साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लगेगी तो ये बहुत ही मजेदार मेथी मटर मलाई आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट तो चले ये हमारा पराठा भी बनके रेडी हो चुका है तो इसको हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म तो आप भी इस मजेदार सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही अमेजिंग बनके रेडी होती है इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त है सर्दियों की खास जायकेदार रेसिपी जिसे बनाए बगैर सर्दियाँ अधूरी लगती हैं तो आप जब खाने में खास जायका चाहिए तो बनाए फिर ये मजेदार सी सब्जी अब घर वाले सब्जी शौक और मजे लेकर खाएंगे सर्दी के मौसम में इस रेसिपी को बहुत पसंद किया जाता है तो चलें फिर मजेदार सी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक देखें अच्छी लगे लाइक कर दें साथ ही कुकिंग उड़ो को, को सब्सक्राइब भी कर लें तो यहाँ पर हमने एक कप मटर ली जिसको हम चोपर में एड कर देंगे और इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे तो यहाँ पर हमने अदरक शामिल कर देना है एक इंच जिसको हमने टुकड़ों में कर दिया था हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक हरा धनी शामिल कर देंगे रफड़ी अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कर छोटा सा सा प्यारा कमेंट इस तरीके से इसके हमने पेस्ट बना इसको बाउल में कर कर दिए नमक शामिल देंगे जैके के मुताबिक धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे गर्म मसाला शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच और इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे इसमें थोड़ी सी आधा छोटा चम्मच और इसमें बेसन शामिल कर देंगे रोस्टेड दो से तीन चम्मच इससे बाइंड अच्छी होगी हमारी मटर की तो जितनी रिक्वायर्ड उतना आप इसमें बेसन है ऐड कीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें मेदी का या फिर कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है तो इसको तरीके से मिक्स करने के बाद हम दो अंडे शामिल कर देंगे तो यहाँ पर हमने दो अंडे लिए बॉयल जिसको हम ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे आप चाहें तो इसमें पनीर या फिर आलू इस्तेमाल बजाय आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं जिसको तरीके से बॉयल कर लें और इसमें हम ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ऐड कर देंगे आलू को तो वैसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी तो इसमें हमने अंडे का इस्तेमाल किया है अगर आपको अंडे पसंद नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं इस तरीके से अंडे को हमने ग्रेट कर लिया देखें तो यहाँ पर हमने दो अंडे इसमें ऐड कर देने इससे हमारी जो टिक्की बनेगी बहुत अच्छी बनेगी इसको आप कबाब भी कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है इस तरीके से अंडों को ऐड करने के बाद कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ये बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही झटपट बहुत ही मज़े की बनती है तो आप वीडियो को एंड तक देखें तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हाथों को ग्रिस कर लेंगे ऑयल की मदद से और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसको हम शेप दे देंगे टिक्की का यानी कि कबाब का इस तरीके से इसको हम रोल करेंगे बॉल की तरह तो जितनी साइज का आप इसको बनाना चाहें टिक्की को उसी हिसाब से उसको आप बना लीजिएगा तो यहाँ पर इसको हमने शेप दे दिया इस तरीके से सारे हम बना के रखते जा रहे हैं तो इस तरीके से इसको हमने बना दिया इस तरीके से हम सारे बना के इस प्लेट में रखते जा रहे हैं तो इस तरीके से सारे टिक्के हमने बना दिए अब रखेंगे इसको साइड पर तो यहाँ पर एक चोपर में शामिल कर देंगे दो से तीन टमाटर जो कि हमने मीडियम साइज़ के लिए थे चोपर में एड कर देंगे सारे टमाटर को और यहाँ पर हम अदरक शामिल कर देंगे आधा इंच का टुकड़ा जिसको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे चोपर के और इसमें लहसुन की जवे शामिल कर देंगे सात से आठ अब इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक तो अपनी जायके के मुताबिक हरी मिर्च को एड कीजिएगा अगर आपको तीखा पसंद है तो उसमें आप हरी मिर्च तो ऐड कर सकते हैं नहीं तो उसको स्किप कर दें सबसे पहले इसको हम चॉप कर लेंगे चॉपर में उसके बाद उसको हम प्यूरी बनाने के लिए दोबारा इसको हम चॉप कर लेंगे तो फिर इसको हम रखेंगे साइड पर बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक पेन में शामिल कर देंगे ऑयल जो कि हमने दो से तीन चम्मच ऑयल शामिल कर देना है ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे फिर मीडियम लो फ्लेम पर कर देंगे इसकी और सारी टिक्के इसमें ऐड करते जाएंगे वन बाय वन तो सारी टिक्के ऐड करने के बाद इसको मीडियम लो टू फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन थोड़ी क्रिस्पी सी ना होने लगे अब इसके हम साइड चेंज करते जाएंगे इस तरीके से देखें ये हल्की हल्की सी फ्राई होने लगी है लाइट गोल्डन होने लगी है इस तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाए इस तरीके से इसको हमने फ्राई कर लिया तो इस तरीके से सारी टिक्किया हम फ्राई करके प्लेट में निकालते रखते जा रहे हैं तो ये बहुत ही मजे की क्रिस्पी सी हमारी टिक्किया बनके रेडी हो चुकी है इसे भी आप इसको खा सकते हैं तो उसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक पेन में शामिल कर देंगे वन फोर्थ कप कुकिंग ऑयल इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे जो कि हमने फाइन चॉप किया था एक कपको इस तरीके से हम सौते कर लेंगे जब तक तो अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन ना होने लगे तो ये देखिए प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब इसमें हरी इलायची शामिल कर देंगे दो से तीन आदत और काली इलायची शामिल कर देंगे बड़ी इलायची दो आदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे और थोड़ा सा जीरा शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच इस कुछ तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक इस तरीके से ऐड करने के बाद आप कुछ तरीके से मिस कर लेंगे और इसमें हम कश्मीर लाल में शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक तो आप मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस कुछ तरीके से मिस कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मिर्ची जले ना हमारी तकरीबन एक चम्मच पानी का ऐड करने के बाद उसमें कुछ तरीके से हम पका लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर तो इसको अच्छी तो तरीके से हमने मिक्स कर लिया इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले तैयार करके रखी थी हरी मिर्च और लहसुन और अदरक के साथ अब इसको दो तो तो से, इस से दो तीन, तो इसको दो तीन मिनट के लिए पकाएंगे जब तक अच्छे तरीके से ड्राई ना होने लगे टमाटर वगैरह देखें इस तरीके से ड्राई हो चुके हैं टमाटर उसमें पानी शामिल कर देंगे दो से तीन चम्मच इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर लगाकर पकाएंगे पकाएँगे दो से तीन मिनट के लिए जब तक अच्छे तरीके से टमाटर भी हमारे गल जाएं तो अच्छी तरीके से इसको अपने पका लिए दो से तीन मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि धनिया और हल्दी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे तकरीबन वन फोर्थ कप या जित दिन उतना तो पानी ऐड कीजिएगा तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी जो कि हमने लिए सूखी कसूरी मेथी एक बड़ा चम्मच इसको हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से मिस कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे बॉयल एग तो यहाँ पर हमें एक अंडे का इस्तेमाल करना है इसको हम ग्रेट करके इसमें एड कर देंगे इससे हमारी थिक सी ग्रेवी बनेगी बहुत ही मज़े की बनेगी अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो आप हमारी वीडियोस कौन से शेयर कौन से मुख से देखने कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो अंडे को एड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिस कर लेंगे और उसको हमने पकाना है एक से दो मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे तो जितनी आप इसमें ग्रेवी ऐड करना चाहें उसी हिसाब से हमें पानी ऐड कीजिएगा और इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर देंगे इससे हमारी चटपटी सी ग्रेवी बनेगी तो आप इसमें नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने एक छोटा चम्मच में शामिल कर दी सरकी का इसको मिक्स करने के बाद सारी टिक्की ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखी थी तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी रेडी होने वाली है तो सारी टिक्कियों को ऐड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देंगे गरम मसाला इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा ग्रेवी का गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके ऊपर छिड़क देंगे थोड़ा सा हरा धनिया तो हरा धनिया ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये हमारी टिक्के ग्रेवी में डिप हो जाए इसको हम कवर लगा कर थोड़ा सा धीमी पे रखेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये देखें अच्छी तरीके से हमारा ये मजेदार सा सालन कहें ग्रेवी कहें या फिर ये सब्जी कहें रेडी हो चुके सर्व करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे जीरा और लहसन के साथ और यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल किया तड़के के लिए तो ये हमारे मजेदार सी सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा आप भी इंजॉय करें बनाकर फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपना बोसा कर रखियेगा मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दो में याद कीजिएगा फिर मैं एक नहीं और बहुत आसान सी रेसिपी के साथ टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज